हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं फिर से आ गई एक नया व्लॉग लेके। ये वाला अभी भी मैं दीघा सीरीज़ पे ही हूँ। मेरा ये दीघा सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं होने वाला है गाइस, सो डोंट वरी। तो दीघा डे टू में हमने क्या क्या किया वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। सुबह उठ के तो ब्रेकफास्ट कर लिया फ्रेशन अप होके, जिसमें था ब्रेड टोस्ट साथ में चाय। फिर ना हम लोग रेडी वगैरह होके निकल पड़े थे उसी वाले टुक टुक भैया के टुक टुक पे चढ़े जो हमें पूरा टूर करवा रहे हैं। तो हम सब तो निकल पड़े एकदम घूमने के लिए। वैसे आप लोग को बता देती हूँ, इस बार हम गए हैं मोहना बीच। तो ये वाला भी दूसरा बीच है, लाइक हमारे होटल से ना 20 मिनट का दूरी था। एंड हमने होटल भी कुछ इस टाइप का लिया, मतलब सामने ही है। तो यहाँ ना पूरा मेन मार्केट है फिश एंड ड्राई फिश का। ऐसा हमने सुना है कि मतलब यहाँ से ही पूरे देश पे लाइक ट्रांसपोर्ट होता है फिश एंड ड्राई फिश। तो यहाँ देखो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बट गंदा स्मेल भी आ रहा था। एज ये मछली मार्केट है तो ऑफकोर्स स्मेल तो आएगा ही। और यहाँ भी लाइक शेल का चीज़ें है, बहुत कुछ है। एंड हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। डुगू तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे तो मानो समंदर से प्यार ही हो गया। मतलब समंदर में आके ना इसका जो होता है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू था, फोटो खींचने का काफ़ी अच्छा जगह था। एंड यहाँ ना कुछ फोटोग्राफर्स हमें बहुत बोल रहे थे कि आइए फ़ोटो खींच, हम लोग खींच के देते हैं आप लोगों को। तो हमने बोला रुकिए ज़रा, हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम अभी जा रहे बीच की ओर। एकदम मस्त व्यू था गाइस, सुबह के टाइम निकले थे ना, बहुत अच्छा लगा। एकदम ठंड ठंड हवा भी चल रहा था। और अभी बस डुगू का आप लोग देखो शैतानी, वो क्या कर रहा है, एकदम से भाग गया। आपको मैं क्या बताऊँ गाइस, मतलब वो ना धीरे धीरे चल रहा था और एकदम से भाग गया। फिर जीजू उसे लेके आया था, ठीक है। वो वाला सीन तो मैं शूट नहीं की हूँ क्योंकि ये हो गया था, मतलब अचानक से, लाइक थैंक्स टू गॉड ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। एंड यहाँ देखो माय गॉड, क्या बताओ, ये डुगू बस चांस ढूंढ रहा था कि कब उसे लाइक हमारे हाथ से ये छूटे और ये दौड़ के चला जाए समंदर में लाइक घूमने के लिए। उसको मतलब पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ हमने ढेर सारा फोटोज वीडियोस क्लिक किया। एंड फाइनली फोटोग्राफर जी ने हमारा बहुत सारा फोटो खींचा। हो सके तो मैं वो सब वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी फिलहाल शायद से मेरे पास नहीं है वो सब फोटोज। ज्यादा वीडियोस मैंने नहीं खींचा है क्योंकि व्लॉगिंग ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि एंजॉय करो। ऑफकोर्स मैं गई पहली बार तो ऑफकोर्स एंजॉय तो करूंगी ही। और यहाँ बहुत सारा फोटोज वगैरह खींचना चल रहा था। डुगू तो मतलब एक जगह पे खड़ा ही नहीं हो रहा था, उसको बस दौड़ना है इधर उधर, एकदम सब जगह पे दौड़ना ही है। वेव्स देखो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइस, मतलब एकदम शांति शांति, लाइक मतलब यहां से मुझे आने का मन ही नहीं गया था। समंदर के लहर का आवाज़ आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और यहाँ मैं कुछ रील्स शूट करने की कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे तो कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, दी मम्मी सबका मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस कर लिया, उन लोगों को रील्स बना के दिया। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी एंड उनका भी बहुत अच्छा अच्छा रील्स बना के दे दिया। लोग बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह खींचे थे, मैंने भी इधर कुछ वीडियोज़ किया। देखो ये वाला वीडियो ना मुझे दी ने करके दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर डुगू ने भी किया, डुगू का तो सबसे पहले है, वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ जीजू और दी भी मिलके थोड़ा सा रोमांटिक वाला वीडियो कर रहे थे और यहाँ मम्मी भी थोड़ा स्लोमो वगैरह कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, मतलब जीजू ने हमारा सपना पूरा कर दिया। जीजू मेरा जीजू भी है, साथ में मेरा भाई भी है, मेरा फ्रेंड भी है एंड मम्मी का तो सबसे पहले बेटा है। एंड मम्मी के बेटे ने मम्मी का सपना ही पूरा कर दिया। एंड हमारे फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, बस आई होप कि भगवान हमारे रिश्ते को बस ऐसे ही अच्छे से बना के रखे। एंड देन ना हम लोग ना थोड़ा सा भूख लगी थी, कल सुबह बस चाय एंड ब्रेड खा के आई थी। और यार डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको और जाके खेलना है, बट ठंड लग जाएगी ना, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड था उधर। फिर हमने ना गरम गरम एक कप चाय पी ली एंड साथ में ना हमने इधर पूरी एंड घुघनी लिया। बस एक ही प्लेट लिया, बस एक ही प्लेट था उनके पास एंड सब खत्म हो गया था। व्यू का लाइक बीच का नज़ारा
देखते देखते हमने इधर खा लिया पूरी सब्जी एंड साथ में इधर दी ने एक ऑमलेट लिया, वही खाया था। यहाँ देखो फोटोग्राफर भैया हमें फोटो निकाल के दे रहे थे। एंड फाइनली हम वापस पहुँच गए हैं होटल, लाइक दोपहर ही हो गया था। फिर फ्रेशन अप होके हमने ना खा लिया था इधर क्रिस्पी चिली चिकन, बहुत ज़्यादा यम्मी था, मतलब एकदम मीठा मीठा था, अच्छा लगा। फिर चलो हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश नहा धो लेते हैं। एंड नहा धोने के बाद मैं भी इधर रेडी हो गई क्योंकि हमको लगी है जोरों से भूख, तो नीचे जा रहे थे हम लोग खाना खाने। तो यहाँ डुगू के साथ मैं थोड़ा बहुत बकवास कर रही थी, वो भी थोड़ा बहुत बकवास कर रहा था। एंड यहाँ देखो हमारा राइस वगैरह आ गया, खाने में था आज फिश थाली ही था, हमने फिश ही लिया। तो आलू भाजा था, फिर नींबू दाल वेज सब्जी, फिर यह आलू पोस्तो एंड तो फिश था, मेनली फिश था एंड आलू गोभी की सब्जी भी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बट क्या है ना गाइस, एक्चुअली कोलकाता के लोग ना हल्का फुल्का लाइट खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा नमक वगैरह कम था, मसाला वगैरह, बट ठीक है, मतलब सही था, भूख के पेट में जो भी खाओ अच्छा ही लगेगा। तो चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय।